हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कौन? मैं कहता हूं कौन है? अरे कहां गायब हो गया? हीरा! अरे हीरा देखो ये लाइट कैसे चली गई। क्या हो रहा है यहां? ये कैसा सवाल है? क्या आप लोगों को दिख नहीं रहा है मेरे भाई आर्यन की मौत हो गई है? हाँ दिख तो रहा है कि कितनी जल्दी में आप लोग आर्यन की अस्थि उठाने के लिए। आप कौन है? मेरा नाम तो शिशिर है, लेकिन आप लोग कौन है इस तरह यहाँ आकर हमसे बदतमीजी से बातें कर रहे हो? CID और हमें शक है कि आर्यन का खून हुआ है। CID आप लोगों को कोई गलत फहमी हो रही है। मैं मीनाक्षी देवी हूँ, इस घर की मालकिन। यहाँ किसी का मर्डर नहीं हुआ। मगर जो एक मिनट, इससे पहले कि आप कोई और सवाल करें, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आप लोग इस वक्त मेरे घर की चौखट पे खड़े हैं, वो भी अनइनवाइटेड, यानी कि बिना बुलाए। बिना बुलाए नहीं आए हम लोग, हमें फोन किया गया था। ये बताया गया है कि यहाँ पे आर्यन का खून हुआ है। What nonsense? किसने किया था फोन? कोई हीरा नाम है। हीरा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे मना करने के बावजूद तुमने इन लोगों को यहाँ बुलाया? क्यों मीनाक्षी देवी जी, आप नहीं चाहते कि आपके बेटे का खून पकड़ा जाए? या फिर ऐसे तो नहीं ना कि कोई आपका ही करीबी, उसी ने ये खून किया हो और आप उस पर पर्दा डालना चाहते हैं? बस मैं अपने परिवार पे इतना गंदा इल्जाम बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर क्या वजह थी CID को ना कॉल करने की? वजह यही है कि अगर मैं आप लोगों को बता भी दूं कि मेरे बेटे आर्यन का खून किसने किया है, तो ना तो आप लोग यकीन करते और ना ही उसे पकड़ पाते। मीनाक्षी देवी जी, दुनिया में ऐसा कोई भी खूनी नहीं है जिसे हम नहीं पकड़ा। नाम बताइए। नाम ही तो नहीं है उसका, मेरे बेटे का खून एक सांप की आत्मा ने किया है। क्या? क्या? सांप की आत्मा? हाँ, वो सांप मरने के बाद मेरे बेटे से अपना बदला लेने आया है भूत बनकर। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो देख लीजिए, मेरे बेटे की गर्दन पे सांप के काटने के निशान हैं। देखिए मैडम, मीनाक्षी देवी। ठीक है मीनाक्षी देवी जी, CID गवाह, सबूत और सुरागों पर यकीन करती है, भूत प्रेत की कहानियों पर नहीं। सर दरअसल हमें यहाँ पे स्विमिंग पूल की खुदाई के वक्त सांप का घर मिला था। आर्यन ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल के जला दिया। सर सारे सांप मर गए और अब वो वापस आ गए भूत बन के बदला लेने। भूत? आप? सर ये मेरी वाइफ है नैना।
लेकिन मुझे और आर्यन को तो नजर आया था वो भूत। आखिर उस सांप ने मेरे पति की जान ली। मैंने तो एक तांत्रिक को भी बुलाया था ताकि घर की शुद्धि करा सकूं, लेकिन वो भी बुरी आत्मा को नहीं भगा पाई। सर, सभी नौकर घर छोड़कर चले गए सिवाय फैनी और हीरा के। ये हमारे बरसों के वफादार हैं। हीरा, हीरा तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि आर्यन का खून हुआ है? क्या तुम्हें इस सांप के काटने वाली बात पर यकीन नहीं है? हाँ साहब, हम सांप का बदला नहीं मांगते। क्योंकि मैंने इस परिवार का नमक खाया है, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने आपको बुला लिया ताकि असली खूनी पकड़ा जाए। अच्छा किया, फिर कम से कम कोई तो है इस घर में जो सेंसिबल बातें कर रहा है। क्या खाक अच्छी बातें कर रहे हैं? अगर आपको हमारी बातें इनसेंसिबल लग रही हैं और इन नौकरों की बातें सेंसिबल लग रही हैं, तो फिर बताइए आर्यन के गर्दन पे ये सांप के काटने का निशान कहाँ से आया? इसी बात की तहकीकात करना चाहते हैं हम मीनाक्षी देवी जी। और आप सब लोग ध्यान से सुनिए, जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती हमारा तुम सब पर शक है। हम वो जगह देखना चाहते हैं जहां पर आर्यन को सांप ने काटा था। सर, उसको रात को अकेले में स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगता था। आर्यन यहाँ स्विमिंग करने के लिए आया था रात में और उसकी मौत के बारे में आप लोगों को पता चला सुबह। आप लोग होश में नहीं थे क्या? हम लोग सब हॉस्पिटल की ओपनिंग के लिए दिल्ली गए हुए थे, आज सुबह ही लौट है। एक मीटिंग के कारण वो हमारे साथ आ नहीं पाया। अच्छा, तो मतलब आर्यन घर में अकेला था, हीरा और फैनी भी घर में थी ना? हाँ साहब, आर्यन जी ने मुझे 10 बजे छुट्टी दे दी थी। मैं बंगले के पीछे अपने रूम में सोने चला गया था। बंगले के उस तरफ? जी। मतलब अगर आर्यन ने यहाँ से मदद के लिए आवाज दी होगी या चिल्लाया भी होगा तो सर किसी ने सुना नहीं होगा। अरे हीरा, देखो ये लाइट कैसे चली गई। वैसे हीरा, आर्यन को सुबह कितने बजे देखा तुमने? सुबह 6 बजे, जब मैं उनको चाय देने गया। वैसे तुम सब लोग दिल्ली गए थे किस हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन के लिए? सर, हमारा खुद का हॉस्पिटल। मेरे पापा डॉक्टर थे और उसके बाद मेरा भाई भी, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है। सर, मेरा बेटा सचिन और आर्यन की बेटी विनीता दोनों साथ में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं बोस्टन में। अमेजिंग, अजीब बात है, घर में पूरा परिवार डॉक्टर है फिर भी इतना अंधविश्वास। सर, हाँ हाँ अभिजीत, यहाँ पे तो सांप के दिन है। हाँ, इसमें सांप हो सकता है क्योंकि अक्सर सांप चींटियों के या फिर कीड़ों के घरों में अपना घर बना देते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आर्यन को सांप नहीं डसा हो और ये सांप की आत्मा वाली बात ये लोग फैला रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है अभिजीत। सर, आर्यन को सांप ने पूल में काटा था तो हो सकता है कि सांप की खाल, सलाइवा या सांप का जहर स्विमिंग पूल के पानी में उसके ट्रेसेस हों। काम करते हैं, स्विमिंग पूल का पानी का सैंपल ले लेते हैं फोरेंसिक लैब के लिए। क्या 15 मिनट से हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, तू कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है? क्या बोलूं यार, ये केस इतना कंफ्यूजन है कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। एक काम करो, तुम 15 मिनट आराम कर लो, तब तक मैं अपने दिमाग को थोड़ी ताजी हवा दे आता हूँ। प्लीज, क्या हम लोग मजाक करने आए यहाँ पर? मजाक? मैं कहाँ कर रहा हूँ मजाक। और नहीं तो क्या कर रहा यार तुम? अच्छा चलो बॉस, बॉस जितनी बात पता चली है ना उतनी बता देता हूँ, लेकिन प्लीज कोई सवाल जवाब मत करना प्लीज। देखो भाई, वो जो स्विमिंग पूल का पानी का सैंपल था ना, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे सांप के बारे में पता चले। कुछ भी नहीं है, ना सांप की चमड़ी का कोई ट्रेसेस है, ना कोई जहर है उसका, कुछ भी तो नहीं है जिससे उसका डीएनए पता चले। यार कुछ भी नहीं है तो इसमें कंफ्यूजिंग क्या है? मामला एकदम साफ है सर, पूल में कोई सांप वाप नहीं आया, इसका खून किसी इंसान ने किया है, क्या कंफ्यूजन है? और खूनी ने ये दिखाने की कोशिश की कि आर्यन की मौत सांप के काटने की वजह से हो। वाह, बहुत अच्छा भाई, आप लोगों को सालूखे की जरूरत क्या है यार? देखो भैया, ये बात इतनी सीधी अगर होती
तो मेरा दिमाग नहीं भन्ना रहा होता। जितनी सच्चाई इस बात में है कि ये सांप है, उतनी सच ये बात भी है कि ये जो इसके गर्दन पर जो सांप के काटे के निशान है, ये असली निशान है। मतलब सांप ने ही काटा है, और इसके शरीर में जो जहर है वो भी सांप का ही जहर है, कोबरा का जहर है यार वो। मगर सर अभी अभी तो आपने कहा कि पूल में सांप आया ही नहीं, फिर आर्यन के शरीर में कोबरा का जहर कहाँ से आया? यही तो कंफ्यूजन है बच्चे, यही तो कंफ्यूजन है यार। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इसे वाकई किसी सांप की आत्मा ने काटा है, जो पूल के ऊपर हवा में उड़ के आई, बिना पानी को टच किया, आर्यन का खून किया और हवा में छुम अंतर? ये बात मैंने कही, मैंने कही क्या बात, ये तुमने सोची है यार, ये तुम्हारे शब्द है यार। यार तू इतना टेढ़ा क्यों हो रहा है? टेढ़ा नहीं हो रहा हूँ यार, मेरे दिमाग में कंफ्यूजन है। अरे डॉक्टर साहब तो आप बताइए कहना क्या चाह रहे हैं? कि दया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए कहा था कोई सवाल जवाब मत करना, जो बता रहा हूँ वो सुन लेना बस। यार सांप के एक बात बता, तुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि तेरे से कुछ छूट रहा है? तेरे फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में कोई मिसिंग लिंक है जो तू ढूंढ नहीं पा रहा है? नहीं तो दो दो रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं? हाँ यार यही तो कंफ्यूजन है, दो दो रिजल्ट्स क्यों आएंगे, लेकिन आए। बस सांप का जो असली जहर है उसे और इसके शरीर में जो जहर है उसको, दोनों को मैंने कंपेयर किया, बड़ी आश्चर्यजनक बात पता चली। आओ दिखाता हूँ, ये देखो आर्यन के शरीर में जो जहर है ये बताता है कि ये पहले ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आया है, जबकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि सांप का जहर सीधे इंसान के बॉडी के अंदर जाता है, ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में तो नहीं आता। हाँ, है क्या ये चक्कर, आर्यन की मौत ना किसी सांप के काटने की वजह से हुई, ना किसी इंसान ने उसे मारा है, तो फिर आर्यन मरा कैसे? पापा, हाँ? पापा वो बाकी का जो काम है वो कल पूरा कर लेंगे, मैं जाके दूसरा केबिन उसे लॉक मार देता हूँ, तब तक आप दोनों इसको लॉक मार दीजिए। ठीक है बेटा। करिए एक्सरे। इम्पॉसिबल, ये तो इंसान के दांतों का एक्सरे, लेकिन इसके दांत तो सांप के। अरे ये क्या हुआ? एक मिनट सर, मैं देख के आता हूं। अरे ये आवाज कैसी है? इनके पैर में भी ये सांप के काटने का निशान है। फिर से सांप? क्या कहा सर आपने, सांप? हाँ सांप, क्यों क्या हुआ? सर लाइट जाने से पहले सिथिर सर और मैं ये एक्सरे देख रहे थे, एक्सरे में तो आदमी के दांत के साथ साथ सांप का भी दांत दिख रहा है। मगर अब ये अगर सांप है तो सांप 20 मंजिल चढ़कर ऊपर आया इस बिल्डिंग, ये कैसे हो सकता है? बताया तो है आपको सांप की आत्मा है, पर आप सीआईडी वाले तो मानने को तैयार ही नहीं है ना। सर ये एक्सरे नकली हो सकते हैं, ये सब प्रोस्थेटिक के दांत हो सकते हैं। तुम्हारे पापा कमरे में अकेले थे जब चीख की आवाज आई? जी सर। और कोई कमरे से बाहर आते दिखा? नहीं सर। मतलब खूनी किसी दूसरे रास्ते से इस कमरे से बाहर गया है? लेकिन सर यहाँ तो कोई और रास्ता है ही नहीं सर बाहर जाने का। नहीं कैसे होगा, कोई तो रास्ता जरूर होगा, कोई खुफिया रास्ता। सर। हाँ दया। सर देखिए दीवार में छेद है, खूनी तो नहीं पर सांप इस छेद से आसानी से आ जा सकता है इस कमरे में। मतलब ये छेद कहीं तो जाता होगा ना, क्या है इस कमरे के बगल में? सर इस कमरे के बराबर में सर एक और कमरा है। पंकज जरा वो स्प्रे लेकर आओ जो सारंगी ने बनाया स्नेक स्लाइम के लिए, जिससे वो कलर बदल देता है अगर स्नेक है तो। सर
की मतलब है कोई सांप नहीं आया था इस कमरे में। सर बगल वाला कमरा चेक किया, वहां पे तो कोई छेद है नहीं। तो छेद कहीं नहीं जा रहा है, सिर्फ इस दीवार में ही खत्म हो रहा है। सर ये राहुल और सचिन ने भी कहा कि बाहर किसी आदमी को जाते हुए नहीं दिखा, फिर ये खून किया किसने? डेफिनेटली सांप ने तो नहीं किया। अभिजीत माना कि तुम एक बहुत ही सिंसियर ऑफिसर हो। थैंक यू, बहुत देर में पता चला आपको। लेकिन इस बार तुम्हारा अंदाजा गलत निकला। कचरा कर दिया यार। क्या 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 गलत है अंदाजा है? क्या गलत है? वो ये कि शिशिर की मौत भी सांप के वजह से हुई है। हमें उसके शरीर में से जहर मिला है सांप का। ये कैसे हो सकता है? और क्राइम सीन पे तो कोई सांप आप नहीं थे। हाँ, ना सांप ना आदमी, शिशिर कमरे में अकेला था। गवाहों ने बताया जब चीखने की आवाज आई उसके बाद से कमरे से कोई बाहर निकला नहीं था। सर इस केस की गुत्थी तो उलझती जा रही है। ना सांप ने किया है ना इंसान ने किया है, फिर ये खून पे खून कौन किया जा रहा है? एक्सरे, इसका जवाब वो एक्सरे देगा जो हमें क्राइम सीन पे मिला था। बिल्कुल सही कहा तुमने दोस्त, और इस एक्सरे ने जवाब दे दिया है भाई साहब। और जवाब ये है कि ये एक्सरे नकली नहीं है, असली है। सर आप ये कहना चाहते हैं इस आदमी का जो दांत है? दांत, ये दांत सांप के दांत। तो डॉक्टर साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये असली इंसान के दांत है जो सांप के दांतों जैसा है? मैंने ये नहीं कहा। नहीं, आप जो कुछ भी कह रहे हैं सर इस केस में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। चलो माना कि एक ऐसा इंसान है जिसके दांत सांप की तरह है, तो फिर वो कमरे से गायब कहाँ हो गया? वहां पे तो एक बिल था, बिल से गायब हो जाएगा क्या कोई आदमी? अरे यार तुम मन में आ रही जो बोल रहे हो, मैंने ये कहा जो तुम बोल रहे हो। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? कुछ तो बताइए जिससे हम इस केस में आगे बढ़ सके। देखो दोस्त, मैं सिर्फ सच्चाई बता सकता हूँ, और सच्चाई ये है भाई कि ये जो एक्सरे में दांत हैं, ये तो भाई सांप के ही दांत। यस रियली यू श्योर? ओके थैंक यू। क्या तारीखा रिपोर्ट आई? सर शिशिर के शरीर में जो जहर मिला है वो क्रेट सांप का है। ये लो, क्रेट सांप का। और सर आर्यन के शरीर में जो जहर है वो कोबरा का है। यानी तो अलग अलग सांप ये जुर्म कर रहे हैं। मतलब ये क्राइम को इंसानी कर रहा है जो कोबरा और क्रेट जैसे सांपों के जहर को आसानी से अरेंज कर सकता है कहीं से। एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर वो इंसान है तो फिर छेद में गायब कैसे हो सकता है? राज का जवाब शायद वहीं छिपा है। रेडी, हॉस्पिटल में जितने भी लोग काम करते हैं ना सबकी लिस्ट बनाओ, कुंडली चेक करो सबके, फोन रिकॉर्ड्स वगैरह सब देखो। बाकी परिवार वालों का भी कुंडली निकालते हैं, क्या पता इनमें से किसी के पास कोई गहरा मकसद हो ये दो खून करने के। सर पूरे परिवार की कुंडली निकाल ली, काफी अमीर लोग हैं, दो दो हॉस्पिटल रहेंगे और दुनिया के कोने कोने में प्रॉपर्टीज खरीद रखी। मतलब पैसा मोटिव हो सकता है, दुश्मनी का भी एंगल हो सकता है। सर पंकज लगा हुआ है पता लगाने में। अच्छा ये फैमिली में आपस में कोई झगड़ा हो रहा है कुछ पता चला? सर पूरा परिवार बड़े प्यार से एक दूसरे के साथ रहता है सिवाय दो बहुओं के। हालांकि वो आमने सामने झगड़ती नहीं है लेकिन एक दूसरे को कुछ खास पसंद भी नहीं करते। और ये आयुष और ये सचिन शिशिर का बेटा, उनके बारे में क्या? सर आयुष का अमेरिका में हॉस्पिटल खोलने का बहुत बड़ा प्लान था और उसके दोनों भाई शिशिर और आर्यन उसके साथ इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। और सचिन को तो वैसे भी पापा की वसीयत मिलने ही वाली थी। जब खून हुआ तब इनकी जो एलिबाई है उसके बारे में क्या है, कितना सच है? सर ये आर्यन का जब खून हुआ ये सब दिल्ली में थे, हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन की फोटो देखी है मैंने, चेक की। और जब शिशिर की मौत हुई उसके परिवार वाले घर पे ही थे सर, सिवाय इस सचिन के। और ये दो नौकर फैनी और हीरा, दोनों ही बहुत वफादार है सर, पिछले 30 साल से परिवार की सेवा कर रहे हैं लोग। आप रेडी? अच्छा ओके ओके थैंक यू सर। एक सांपों की विशेषज्ञ है मायरा, हर्पेटोलॉजिस्ट मायरा, हॉस्पिटल से 5 बार फोन किया गया इनको। कहीं ऐसा तो नहीं कि फैमिली में से ही किसी ने फोन किया हो? मायरा को
सांप का जहर बनवाने की ऑर्डर दी? हो सकता है सर। सर हाँ सर, फैमिली का सबसे बड़ा दुश्मन मिल गया सर। कौन है वो? बेंटो। ये शिशिर और आर्यन की मौत से पहले उन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था उससे। बेंटो वो बिल्डर जो लोगों को पैसे देता है ब्याज पे? हाँ सर, गलत काम करता है और निशान भी नहीं छोड़ता है। अभिजीत, इस बेंटो को ब्यूरो में बुलवा लेते हैं। बताया सर, तुम और पंकज जाकर इस हर्पिटोलॉजिस्ट मायरा को मिलो, देखो कौन सा जहर और किसने बनवाने की ऑर्डर दी थी उसे। सर मैं जरा चलता हूँ, आप यहाँ संभाल लेंगे, मैं चलता हूँ सर। एक मिनट बैठो मैडम, एक बात बताओ, तुम ये सांप से इतना डरते क्यों? डरता नहीं हूँ सर, ये देखिए ना बगल में बैठा हुआ है वो मेरे, डरता नहीं, बस मुझे थोड़ा घबराहट होती है सर, वो सांस चढ़ जाती है बस। जी कहिए जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मायरा जी। यस। हम लोग सीआईडी से हैं। हैव अ सीट। मायरा जी, एक केस के सिलसिले में हम कुछ पूछताछ करने हैं आपसे। दो दो खून हो गए हैं। ओह माय गॉड, लेकिन इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? दो हफ्ते पहले आरएम हॉस्पिटल से 5 फोन कॉल्स आए थे आपके पास। जी आए थे, लेकिन उनका इस केस से क्या लेना देना? ये दो लोग जो जिनका खून हुआ है वो आरएम हॉस्पिटल से जुड़े हुए थे। ओह, इन दोनों का खून सांप के जहर से हुआ है। और वो खून सांप के काटने की वजह से नहीं हुआ है, किसी इंसान ने वो जहर खूनी को दिया है और उसने मर्डर किया। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि खूनी की मदद मैंने की है जहर सप्लाई करके? हाँ ऐसा ही कुछ है। ये बताइए कि हॉस्पिटल से आपको वो फोन कॉल्स किसने किए थे? शिशिर और आर्यन। शिशिर और आर्यन, इन्हीं दोनों को तो खून हुआ है, क्यों फोन क्यों कर रहे थे ये लोग? न सिर्फ उन्होंने मुझे कॉल किया बल्कि वो मुझे मिलने भी आए थे, और जहर लेने नहीं बल्कि जहर की दवा एंटीडोट लेने। एंटीडोट? बहुत अजीब सी कहानी सुनाई, कह रहे थे कि कोई सांप की आत्मा उनसे बदला लेना चाहती है एंड उनको ये जहर की दवा चाहिए। फिर क्या, मैंने उन्हें कह दिया मैं ऐसी कहानियों पर विश्वास नहीं करती। तो आपने उन्हें वो एंटीडोट दिया या नहीं? एंटीडोट कैसे देते, उन्हें कोई ऐसा एंटीडोट चाहिए था जो हर एक सांप के जहर के खिलाफ काम कर सके। ऐसा कोई एंटीडोट होता ही नहीं है, अलग अलग जहर के लिए अलग अलग एंटीडोट होता है। तो दोनों यहाँ से खाली हाथ वापस गए? जी, एंड आई एम सॉरी, आपको भी खाली हाथ जाना होगा, बिकॉज मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं। महाराज जी, जस्ट फॉर माय जनरल नॉलेज, अगर किसी को सांप काट लेता है तो उसे क्या करना चाहिए? अगर किसी को सांप काट ले तो सबसे पहले चीज, पैनिक बिल्कुल ना करें, डॉक्टर को बुलाएं, लेकिन डॉक्टर का वेट करते हुए जिस पार्ट पे आपको काटा गया है उसे कंप्रेस कर लें, किसी चीज़ से बांध लें ताकि जो जहरीला खून है वो आपके हार्ट तक ना पहुंच सके। ओके, थैंक यू वेरी मच। चले सर। चलो, तब तक देखते हैं इसी भी साहब को बेंटो से क्या पता चला। हाँ, ये बात सही है कि मेरी शिशिर और आर्यन के साथ बहस हुई थी, लेकिन आपका ये इल्ज़ाम सरासर गलत है कि मैंने उनका खून किया। तो फिर किसने किया खून? मुझे क्या पता बॉस, रही बात उनको मारने की, यदि मुझे उनको मारना होता तो सर मैं ये सांप बिच्छू वाला गेम नहीं खेलता, मैं सीधा अपना घोड़ा लेता और उनको। लेकिन सर आप जानते हैं कि मैं कानून की कितनी इज्जत करता हूँ। हाँ मालूम है कानून की कितनी इज्जत करते हो तुम। ये बताओ आर्यन और शिशिर से किस बात पे झगड़ा हुआ था तुम्हारा? सर मैंने उनकी गोवा वाली जमीन खरीदी थी और उस प्रॉपर्टी के पेपर्स पर उन्होंने साइन भी किए थे, तो सर अचानक वो मुकर गए और मुझे फ्रॉड बोलने लगे और कहते हैं कि उन्होंने किसी भी पेपर्स के ऊपर साइन ही नहीं करे, और आप लोगों को यकीन दिलाने के लिए मैं उस प्रॉपर्टी के पेपर्स भी साथ लाया हूँ, ये लीजिए आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। देखिए एसीपी साहब, मैंने थोड़ी बहुत हेरा फेरी करी है, लेकिन उतनी जितनी बाकी के लोग करते हैं, लेकिन आप मेरी बात का यकीन मानिए, मैंने ये डील पूरी ईमानदारी के साथ करी है। आप चाहें तो उनकी अकाउंट स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, मैंने उन्हें 15 करोड़ रुपये वाइट में और 35 करोड़ रुपये कैश में दिए। किसके अकाउंट? मीनाक्षी देवी के अकाउंट में। मीनाक्षी देवी जी, बेंटो सच कह रहा था, उसने आपके अकाउंट में पैसे डाले थे।
जगह जगह पैसा लगा है मेरा, इतने सारे शेयर हैं, अब सब डील तो मैं याद नहीं रख सकती ना। आप याद नहीं रख सकती, लेकिन कोई और तो होगा जो उसका ख्याल रखता हो। हर अकाउंट, हर डील की देखरेख के लिए एजेंट रखे होते हैं ना हमने। अच्छा, तो फिर इस डीड का एजेंट कौन था? इस प्रॉपर्टी की डीड में आपके बेटे शामिल थे। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि इन सब में मेरे बेटों की मौत का क्या मतलब। मीनाक्षी देवी जी, आपके दोनों बेटे हैं, सांप के डसने से नहीं मरे, किसी इंसान ने मारा है उन्हें। किसी ऐसे इंसान का जिसके पास ठोस मकसद था आपके दोनों बेटों को मारने का। ऐसा मकसद किसका हो सकता है? इस स्टील से जुड़े किसी इंसान के पास। इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि कौन एजेंट कौन था इस स्टील का। बस कीजिए आप, एक तो उन सांपों ने मेरे दो दो बेटे मुझसे छीन लिए, और आप सीआईडी वाले इस केस को नया चेहरा देने पे लगे हुए हैं। आप मान क्यों नहीं लेते कि ये सांपों का किया था रहा है ये सब कुछ? बस बस माजी जी, आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। देखिए, हमारे लिए हमारे परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं, ना पैसा ना दौलत। अरे आप मेरी माँ की हालत देख रहे हैं, ना सो पा रही है ना खा पा रही है। दिन रात में भगवान से यही दुआ करते रहती है, इन्हें भी इनके बेटों के पास बुला ले। आयुष, आयुष, तुम्हारे दोनों भाइयों की मौत शायद प्रॉपर्टी की वजह से नहीं हुई है, लेकिन ये जो भी कोई कर रहा है ना, वो तुम्हारे पूरे परिवार को खत्म करना चाहता है, और उसका अगला शिकार शायद तुम हो। सर, क्या सच में मेरी जान को खतरा है? जी हाँ, लेकिन घबराओ मत, इस बार हम तुम्हारे साथ में हैं, उस सांप का सामना करने के लिए। तुम्हारे दोनों भाइयों पे हमला रात में हुआ था, तो शायद तुम पे भी हमला रात को ही होगा। सर, पूरी तैयारी हो गई है, बेड के आसपास रेत डाल दी है, अब देखते हैं सांप आके डसता है या और कुछ। सर, नाइट विजन कैमरास भी लगा दिए ताकि उसका चेहरा हमें दिख जाए। वेरी गुड। सर, सर ये देखिए, कुछ कुछ रेंग रहा है। माय गॉड, अटैक हुआ, लेट्स गो। सर, यहाँ पर तो कोई भी नहीं। सिवाय ये सांप के निशान के। माय गॉड। देखो यार, मैं जानता हूँ आप लोग क्या कहना चाहते हो, लेकिन प्लीज पहले मेरी बात सुनो। बस इस बार भी सांप नहीं था। और सर, जो रेत आप लोगों ने वहां डाली थी, उसमें से भी सांप से रिलेटेड कुछ भी नहीं मिला है। और फुटेज? फुटेज क्लियर नहीं है, तो कैसे मान लिया जाए कि सांप है? हाँ, मगर उस पुतले पे जो जहर मिला है वो कोबरा का है, और काटा भी उसने सांप की तरह ही है। काटा सांप की तरह है, जहर कोबरे का, दांत का निशान सांप का, ये सांप ने तो आखिर है क्या? नहीं सर, नहीं, अब ये मत कह रहे कि तुझे कुछ पता नहीं। तीसरा खून होते होते बच गया है, तो फोरेंसिक डिपार्टमेंट से कुछ तो मदद चाहिए हमें। हम जवाब नहीं दे रहे, हम क्या काम नहीं कर रहे? सर, ऐसी बात नहीं है, हम भी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं ना, जो भी हमसे बन पा रहा है। यार देखो, हमें इतना मालूम है कि ये खूनी जो भी है, उसने तीन भाइयों में से दो भाइयों का खून किया है, और तीसरे भाई पर वो फिर से कल कोशिश करेगा, कल रात को। और अब ये खूनी सांप है, इंसान है, जो भी है, जल्द से जल्द इसका खेल खत्म करना पड़ेगा। हाँ पंकज, ओके, ठीक। सर, पंकज का फोन था, उसे उस एजेंट का एड्रेस मिल गया है जो इस फैमिली की प्रॉपर्टीज की डील करवाता है, मदन नाम है उसका, और ये बिल्डर वाली डील भी उसी ने करवाई थी। मदन ने पहले भी डील में हेरा फेरी की, और शायद इस शिशिर और आर्यन को इसके फ्रॉड के बारे में पता चल गया होगा। इसके पहले कि इसका पूरा भांडा फूटता, दोनों को रास्ते से हटा दिया। मदन, इस मदन के घर जाओ, नींद में से उठाओ उसे, और नींद हराम कर दो उसकी। कौन है? अबे
दिमाग तो गिरवी नहीं रख के आयो है? जान दो क्या वक्त हो रहा है? हाँ? तुम्हारे गिरफ्तारी का वक्त हो गया। सीआईडी 420 का अंजाम जेल चल के भुगतना। बेंटो ने सब बता दिया हमें। बेंटो? ए? 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 रुक जा। मदन, दरवाजा खोलो। यहाँ पे छुपने का कोई फायदा नहीं। अरे चले जाओ यहाँ से। मैंने कुछ नहीं किया। शिशिर और आर्यन का खून किया तुमने। दरवाजा खोल। अरे मैंने किसी का खून नहीं किया। लाइट्स ऑफ क्यों? ये चीखा क्यों? कहीं आत्महत्या तो नहीं कर रहा है? हटो। अरे क्या हुआ? बोलो। साहब भैया इसी कमरे में। ये कौन है? ये सांप के दांतों वाला आदमी? ये सारे जन्म यही कर रहा है क्या? आधा आदमी आधा सांप? सर ये कौन सा क्रीचर है? नहीं पंकज, ये आदमी ही है। बाहर जाओ जल्दी, पकड़ो इसे। लाओ ये जहर तुम्हारे तुम्हारे दिल तक पहुंचना लीजिए। सर हा? इसका मतलब जो आदमी हमें घूर रहा था उसी ने काटा है? हो सकता है। बड़ी एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। देखो यहाँ आसपास कोई लाइट का स्विच है क्या? सांप अभी भी कमरे में ही है। मेटल के साफ कर क्या पता चला? बस उस पर थोड़ा टेस्ट करना बाकी है, जल्दी पता चल जाएगा। फ्रेडी सर कैसे हैं अभी? ठीक है, वो जहर निकल चुका है। और वो मदन? वो भी स्टेबल है, फिलहाल सदमे में, कुछ वक्त लगेगा उसे नॉर्मल होने में। भाई एक बात तो पक्की है, ये मदन तो खूनी नहीं। हाँ खूनी कोई और है, लेकिन उसका कोई ना कोई कनेक्शन है मदन और प्रॉपर्टी की डीलिंग के साथ। और वो सांप की खाल जो पंकज को मिली थी, वो वाली खाल खास बनवाई गई है 10 अलग अलग सांपों की खाल का इस्तेमाल करके। और वो सांप वाले दांत जो एक्सरे में दिखे थे? पूर्वी वो दांत दरअसल सांप के दांत है ही नहीं, एक इंसान के दांत। अरे पहले तो आपने कहा था कि... पहले कह रहा था क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था कि इस इंसान को एक खास किस्म की बीमारी है। इस बीमारी का नाम है हाइपोहाइड्रोटिक एक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया। मतलब इस बीमारी में इंसान के नाक बाल खाल दांत ये सब कुछ अजीब तरीके से डेवलप होने लगते हैं, जैसे इस इंसान के साथ हुआ। मतलब इस केस से सांप का कुछ लेना देना है नहीं? सर ये बहुत ही रेयर डिसीज है। पूरी दुनिया में सिर्फ 30 से 40 ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी के शिकार हैं। और हमें एक हॉस्पिटल से एक आदमी के बारे में पता चला है जो इस बीमारी का शिकार है। एड्रेस क्या है इसका?
यही है सर। कल रात को मदन के घर के बाहर क्या कर रहा था? कल रात तो मैं यही था। और मदन कौन है और आप लोग कौन है? सीआईडी। मदन कौन है? एक ऐसा हाथ पड़ेगा ना सब याद आ जाएगा मदन कौन है। एक मिनट, कल रात आपने शायद अमित को देखा होगा। ये अमित है, ये कई दिनों से लापता है। कल शायद आपने इसी को ही देखा होगा। कब से गायब है? पिछले 2 हफ्तों से। मैं पुलिस में कंप्लेन भी लिखवाई है। हमारी बीमारी के कारण हमें नौकरी भी नहीं मिलती है। लोग हमें देखकर भाग जाते हैं, इसीलिए हमारा गुजारा भी नहीं हो पाता। 2 हफ्तों पहले अमित खुशी खुशी आया था, कहने लगा कि हमारी बीमारी का इलाज मिल गया है। बस सर, इसी दिन से अमित लापता है। कोई तो है जो अमित की बीमारी का फायदा उठा रहा है और उस परिवार को डरा रहा है। उसकी बीमारी ठीक करने के लिए उसे यहाँ से ले गया होगा सर। करेक्ट। और जिस किसी ने भी ये सौदा किया अमित के साथ, वो कोई डॉक्टर ही होगा। सर, उनका तो पूरा खानदान डॉक्टर है। उनका खुद का हॉस्पिटल भी, कोई भी कर सकता है। हाँ डॉक्टर साहब। अच्छा, दैट्स ग्रेट। ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं। क्या हुआ सर? डॉक्टर सालुंके का फोन था, आखिर में वो जहरीला सांप मिल ही गया। अरे डॉक्टर साहब, कहाँ है वो सांप बताइए ना। पंकज तो सांप के डर से अंदर आ ही नहीं। वैसे तारिका, सांप किधर है? सांप इधर है। अरे वाह, क्या है ये? बॉस, ये रोबोटिक स्नेक है। वो जो मेटल के टुकड़े मिले थे, मैं तभी समझ गया था कि कूली ने इसी तरीके की किसी चीज का इस्तेमाल किया होगा। ऐसा ही सांप बनाया हुआ है, रोबोटिक स्नेक। और इस रोबोटिक सांप में कैमरा लगा हुआ है और एक ऐसा डिवाइस भी जो किसी पे भी जहर इंजेक्ट कर सके। और इसके लिए किसी भी छोटे बिल में जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। रोबोटिक आर्म के बारे में तो सुना था, वो जो डॉक्टर लोग यूज करते हैं ऑपरेशन के लिए। तो सर, ये सब हॉस्पिटल में आसानी से मिल सकता है। शायद खुनी ने इसी का इस्तेमाल किया हो ये सांप बनाने। हाँ, लेकिन बस रोबोटिक आर्म का रेंज ऑफ मोशन काफी कम होता है। लेकिन हाँ, टेक्निक ये इस्तेमाल की हो। इसका तो एक ही मतलब है अभिजीत, कि जिसने भी ये मेटल का सांप ऑपरेट किया है वो बिल्कुल ऑफिस या फिर स्विमिंग पूल के आसपास ही होगा। फिर तो सर ये लगता है किसी नजदीक वाले आदमी का ही काम है, क्या कोई परिवार वाला? कैसे चली गई? यूज उड़ गया होगा, मैं चेक करता हूं। सचिन देखना सर। क्या हुआ? है भगवान, मेरे आयुष की रक्षा करना इस सांप की आत्मा से। आप लोग प्लीज घबराइए मत, प्लीज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें दूसरे घर में ठहरने के लिए कहा था ना, जवाब दो। अमित नहीं, अकेल। अमित मेरा भाई है, वो भी जुड़वा। जुड़वा? अच्छा देखो, हम ये जो भी कर रहे हैं तुम्हारे परिवार की भलाई के लिए कर रहे हैं। ऐसी भलाई जो निर्दोषों के खून से रंगी है, क्यों है ना आयुष? आप लोग, ये हमारा प्लान था, असली सांप को बिल से बाहर निकालने के लिए। शायद तुम भूल गए आयुष कि अमित का कोई जुड़वा भाई भी है। और फिर तुम हमारे चंगुल में फंस गए। हमें अपने चंगुल में फंसाना इतना भी आसान नहीं है। मायरा,
मीनाक्षी देवी को तो हम बचा लेंगे, लेकिन तुम दोनों को सीआईडी से कौन बचाएगा? हा? जुए की लत लग गई थी मुझे, करोड़ों रुपए का कर्जा चढ़ गया था मुझ पर। इसके आज से 2 साल पहले मैंने प्रॉपर्टी के कागजों पर आर्यन और शिशिर भैया के साइन ले लिए थे, लेकिन जब प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए और भैया ने मुझसे कहा कि उस प्रॉपर्टी को वो बेचना चाहते, मैंने उस समय तो कुछ बहाना बना लिया, लेकिन फिर एक दिन भैया को पता चल ही गया कि वो प्रॉपर्टी उनके नाम पर है ही नहीं। और इससे पहले कि उसे कुछ पता चल जाए इस बारे में, तुमने अपने दोनों भाइयों को खत्म कर दिया। शर्म आ रही है मुझे आज अपने आप पे, तुझे अपना बेटा कहते हुए। मां मैं क्या करता, अगर भैया को पता चल जाता तो वो मुझे घर से निकाल देते, जायदाद से बेदखल कर देते, इसलिए मैंने मेरी गर्लफ्रेंड माहिरा की मदद ली। अमित की बीमारी के बारे मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था, सोचा उन्हीं का सहारा ले लेते हैं अपना जुर्म छुपाने के लिए। आयुष ने मुझे मीनाक्षी देवी के बारे में कहा था कि वो बहुत अंधविश्वासी हैं, तो सांप की बात पर आँख मूंद पर विश्वास कर लेंगे। मेरे दिए जहर से आर्यन की डेथ हुई है। शिशिर के मौत के वक्त भी मैं ऑफिस में छुप गई थी, उसी छेद से मैंने सांप को भेजा शिशिर को डसने के लिए। अमित का इस सब में कोई कसूर नहीं, उसे तो हम काउंसलिंग के लिए भेज देंगे, वो एक नई जिंदगी शुरू करेगा। मगर तुम दोनों आयुष और मायरा जिस जुर्म के रास्ते पर चल रहे हो ना, वो रास्ता खत्म होता है फांसी के फंदे पे। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.